देखिए 15 में एम्स की घोषणा हुई, देश के दो एम्स गोरखपुर और देवघर बन गया और बिहार का एम्स राजनीति का भेंट चढ़ा हुआ है। बिहार सरकार पहले जमीन दी, दूसरी फिर हो गई तीसरी। हम लोग का एक ही मांग है कि अविलंब जमीन दे और प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करने आएंगे, एम्स बने। दरभंगा एम्स मामले को लेकर लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है, ऐसे में अब सरकार के खिलाफ बीजेपी के तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं, जो मिथिलांचल से आते हैं, वो सभी लोग आज राज्यपाल के पास पहुंचे हैं, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे हैं और जिस तरह से दरभंगा एम्स का मामला फंसा है उस मामले को लेकर के ज्ञापन सौंप कर सरकार से क्या कुछ मांग की है, इस मामले पर बात करते हैं। यहाँ पर अभी बीजेपी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल। सर, क्या कुछ वार्ता हुई आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा था? देखिए 15 में एम्स की घोषणा हुई, देश के दो एम्स गोरखपुर और देवघर बन गया और बिहार का एम्स राजनीति का भेंट चढ़ा हुआ है। बिहार सरकार पहले जमीन दी, दूसरी फिर हो गई तीसरी। हम लोग का एक ही मांग है कि अविलंब जमीन दे और प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करने आएंगे, एम्स बने। बस आज आप लोगों ने कौन कौन से लोग आकर के ज्ञापन नहीं दिया? हम लोगों के साथ माननीय सांसद दरभंगा गोपाल जी ठाकुर, माननीय सांसद मधुबनी डॉक्टर अशोक यादव जी, माननीय विधायक संजय सरावगी जी, माननीय विधायक मुरारी मोहन जी, माननीय विधायक स्वर्णिमा जी, माननीय विधायक मुरारी मोहन जी और हम लोगों ने जाकर के मिला है कि अविलंब, हरी सहनी जी भी थे MLC और प्रमुख वहाँ के मुखिया, सरपंच, कई जिला पार्षद, कई लोग मिले हैं और एक ही मंशा है कि उत्तर बिहार में जो दरभंगा में एम्स पास हुआ है वो अविलंब बने, उसी जगह पे बने या फिर जहाँ हो लेकिन बने। तो जैसा कि आपने सुना कि बीजेपी के जो मिथिलांचल के तमाम सांसद हैं, विधायक हैं और बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, वो तमाम लोग आज राज्यपाल के पास आए हैं, ज्ञापन सौंपे हैं और उन्होंने मांग की है कि जो मिथिलांचल दरभंगा में जो एम्स का निर्माण होना है उसमें सरकार की तरह जिस तरह से कोताही बरती जा रही है, अब उस कोताही को ना बरता जाए और दरभंगा में जगह को दिया जाए जहाँ प्रधानमंत्री के द्वारा आकर उस एम्स का शिलान्यास किया जाए। बस इस मांग को लेकर के आज बीजेपी के तमाम नेतागण जो हैं मिथिलांचल के, वो ज्ञापन सौंपे हैं। अब देखना यह है कि जिस तरह से राज्यपाल को यह ज्ञापन सौंपा गया है, अब राज्यपाल के द्वारा इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।